हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का पोर्शन। स्टूडेंट, अब देखिए हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था हमारा पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस, जो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, और हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं इन द सर्किट रेजिस्टेंस को। ओके, अब देखिए हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए फर्स्टली इसका डेफिनेशन पढ़िए आप। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द हाई रेजिस्टेंस वायर। अगर हम किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, स्टूडेंट, हाई रेजिस्टेंस वायर मतलब क्या हो गया कि करंट को पास होने में दिक्कत देगा, वो मतलब कि रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब वो होता है जो रेजिस्ट करता है करंट को पास होने के लिए, ठीक है। अगर हम उसमें रेजिस्टेंस मतलब उसमें करंट को पास कराएंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा? देखिए, तो जो वायर होगा वो किससे बना होगा? हमारा एलॉयज से बना होगा, क्यों? आपको पता है तो हाईली रेजिस्टेंस वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं? एलॉयज के बने होते हैं। जो एलॉयज हमारा क्या है यहाँ पे, नाइक्रोम। ओके स्टूडेंट, तो नाइक्रोम का जो वायर होगा उसमें हम जब करंट पास कराएंगे तो उसका हाईली रेजिस्टेंस होगा। जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें, उस वायर वो क्या हो जाएगा, वेरी हॉट हो जाएगा, तो उसमें हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, नाइक्रोम में जब हाई रेजिस्टेंस वायर करंट पास कराएंगे तो ये हमारा हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। वायर द रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। तो क्या होगा कि जो वायर होगा हमारा वो ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, हीट प्रोड्यूस करने लगेगा स्टूडेंट। अब देखिए हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, दिस इज कॉल्ड अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यही हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। अगर हम किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर में अपना करंट पास कराते हैं तो वो हॉट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस कर देता है। बस ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है इसने, तो आगे इसने बोला है वी विल कैलकुलेट द वर्क डन। हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है, हीटिंग के वर्क डन को। वर्क डन इज इक्वल टू द हीट, ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या है, करंट आई है जो कि फ्लो हो रहा है किस में, रेजिस्टेंस वायर में फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारा आर, किसके साथ हो रहा है, टाइम विद टाइम के साथ हो रहा है, तो टी है हमारे पास। नाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्यू है, मूव अगेंस्ट किसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, तो हमारा अमाउंट कितना है वर्क डन का, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होगा, तो चार्ज इंटू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए तो हमारा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम अब क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे कहाँ से, करंट के फॉर्मूले से, और वी की वैल्यू ओम्स लॉ के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर वन इसको मान लेंगे और इसी में पुट कर देंगे। सिंपल सी बात है, वैसे आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, बस आपको एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अगर कभी न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप उसको उस फॉर्मूले से सॉल्व करके आसानी से आप टिक कर सकते हैं, आप मल्टीपल चॉइस में टिक कर सकते हैं करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट वी नो दैट, हम जानते हैं जो डेफिनेशन होती है हमारी करंट की, उससे हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आई टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू हमारे पास, तो क्यू की वैल्यू आ गई जो हमारा सेकंड इक्वेशन मान लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे तो क्या होगा, एंड फ्रॉम द ओम्स लॉ वी हैव, और ओम्स लॉ से क्या होगा हमारा, वी इज आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, देन वी इज इक्वल टू आर इंटू आई, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड वी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्यू और वी की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या होगा स्टूडेंट, तो क्यू की जगह हमारा क्या हो जाएगा, आई टी जो कि हमारा इक्वेशन सेकंड है, क्यू की वैल्यू है। अब वी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आई आर जो कि हमारा इक्वेशन थर्ड है, वी की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि आई हमारा कॉमन है, जो डबल है, सॉरी आई हमारा डबल है, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू एच होता है तो इसका मतलब ये हुआ एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। ओके, ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये मुझे कमेंट में करके कमेंट में बताएं स्टूडेंट। अब देखिए आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्या, इससे हमें क्या पता चलता है, इस प्रूफ से हमें पता चलता है जो आई इजिकल टू होता है, एच इजिकल टू होता है, सॉरी एच इजिकल टू जो होता है वो हमारा आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर इंटू टी होता है जूल्स में, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पता चल गया जो हीट होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, करंट के। जितना करंट होगा उतनी हमारी हीट होगी, जितना हमारा रेजिस्टेंस होगा, हीट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, एंड हीट हमारी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऑल्सो एट टाइम, ठीक है। जितनी करंट फ्लो होगा वायर में उतना ही हीट हमारी प्रोड्यूस होगी, जितना रेजिस्टेंस होगा हमारा उतनी हीट प्रोड्यूस होगी, जितने टाइम तक होगा उतनी
उतने टाइम तक हमारी हीट प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखिए इस चैप्टर का खत्म होते ही हम क्या करेंगे, हमारा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन को हम डालने लगेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। वो कि हमारे शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे भी मिल जाएंगे, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अब इस लास्ट वीडियो में हम इसके नोट्स की टोटल डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बार वीडियो देखने के बाद जब आप खुद पढ़ेंगे हमारे नोट्स तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए फर्स्टली हम देख लेते हैं अब लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है स्टूडेंट, तब इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो हमारा वर्क होता है पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है हमारा पर यूनिट टाइम, उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन टी। पी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन टी। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला इसने, तो देखिए आगे हो गया हमारा जो ऐसा यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिक पावर की वो होती है हमारी वॉट। तो 1 kW इज इक्वल टू 1000 वॉट होते हैं स्टूडेंट। देखिए इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब देखिए अब हम कराएंगे आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और देखिए हमारे साथ बने रहिए, आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एक ही चैप्टर से, ठीक है। तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।